अगली खबर मुरादाबाद से, जहां उन्नाव बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बलात्कार के आरोपियों को बहन बेटियों के हवाले कर दिया जाए, जो उन्हें ईंट पत्थरों से जान से मार डाले। सपा सांसद यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि ऐसे मामले के आरोपियों को जिंदा जमीन में दफना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय करने के बाद ही बलात्कारियों के मन में खौफ पैदा होगा। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ देश में बलात्कार के मामलों को रोकने के लिए शरीयत कानून लागू करने की मांग की। एसपी सांसद ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बलात्कारियों के साथ कोई हमदर्दी ना की जाए और उन्हें शरीयत कानून के हिसाब से सजा दी जाए। जी हां, सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि लोग भले ही इसे क्रूरता कहेंगे, लेकिन ये जरूरी हो गया है कि अब हम संसद में ऐसे सख्त कानून बनाएं कि जिससे ये बहन बेटियां सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब दुनिया को शरीयत कानून लागू करना पड़ेगा। उन्होंने निर्भया मामले के दोषियों का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी लाचार कानून व्यवस्था और जुडिशियल सिस्टम के सुस्त होने की वजह से 7 साल बाद भी दिल्ली की निर्भया को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। एसपी सांसद ने कहा कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है और उसे महिलाओं की सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं है। समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को अब मिलकर सोचना होगा कि आखिर कब तक हम ढकोसलेबाजी करते रहेंगे और इसी तरह हमारी बहन बेटियां मरती रहेंगी। उन्होंने बलात्कार के मामले में सऊदी अरब का मिसाल देते हुए देश में शरीयत कानून लागू करने की मांग की है। घटनाओं के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या इस तरह से सुरक्षा किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, लचर कानून व्यवस्था और कानून का खौफ ना होना, इंसाफ में देरी होना इसकी मेन वजह है। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं लेकिन कानून व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं देता। हर तीसरे महीने चौथे महीने आपको ऐसे वाकयात मिलते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा जुल्म होता है जिससे इंसानियत थर्रा जाती है। निर्भय कांड में क्या हुआ सबको मालूम है, 7 साल पहले सज़ा हुई थी, आज तक फांसी नहीं हुई। हैदराबाद वाले मामले के अंदर आपने देखा, वो तो ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे और वो मारे गए। अब ये उन्नाव का केस है, उन्नाव में पहले भी एक विधायक के ज़रिए एक ऐसा ही अजगन अपराध हुआ था और पीड़िता का एक्सीडेंट करा दिया गया था। न मालूम वो पीड़िता आज किस हाल में है, ये हमें नहीं मालूम। तो आखिर ये कब तक, हम कौन सी सियासत कर रहे हैं, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है पूरे ना प्रदेश में है ना ही देश में है। क्या होना चाहिए जो बलात्कारी देखिए उनको सजा कैसे मिले? कानून का खौफ होना चाहिए और कानून ऐसा होना चाहिए। अब मुझे ये कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि वो शरीयत का कानून रेप के लिए कम से कम लागू होना चाहिए, जिसके अंदर मंजर आम के ऊपर रेपिस्ट को आधा ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और पत्थरों से उसे मार दिया जाता है। बहन बेटियों के हाथों में पत्थर दे दिए जाएँ और उसे जान से मार दिया जाए। क्यों नहीं सऊदी अरेबिया के अंदर रेप होते? क्योंकि अगर 2-4 केसेस लोगों ने टीवी पे देख लिए इस तरह के, तो मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि रेप की घटनाएं नेग्लिजिबल हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी। ऐसा ही शरीयत कानून की तरह बनना चाहिए, ऐसे ही कानून यहाँ भी होना चाहिए, मंजर आम पे होना चाहिए। इसमें यह ना सोचा जाए कि क्रूरता हो जाएगी। हमारे दिलों में उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जो ऐसा जुल्म करके हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और उनको जान से मार देते हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।